आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। काफी दिनों बाद रीवा में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों हनमना में कोरोना का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ था, वह प्रकोप बढ़ता बढ़ता रीवा तक पहुंच गया है। रीवा में आज शनिवार को सुबह खुटेही मोहल्ले से एक ही परिवार के सात लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कुल मिला के शनिवार के दिन 10 लोग संक्रमित पाए गए। इस तरीके से अभी तक का रीवा जिले में आंकड़ा 169 का पहुंच गया है। यहां पर यह भी गौर करने वाली बात है, लगभग 90 से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, 69 लोग अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। रीवा शहर की अगर बात की जाए तो रीवा शहर की गलियाँ इस समय ऐसा नहीं लगता कि कोरोना के भय से व्याप्त है। यहाँ पर लोगों की आवाजाही ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से आम दिनों में हुआ करती थी। कोरोना का भय अभी तक उनको दिखाई नहीं दे रहा। माना जा सकता है जिस तरीके से यहाँ के लोग लापरवाही कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब यहाँ पर भी आंकड़ा काफ़ी तेजी से बढ़ेगा और उसको रोक पाना रीवा के प्रशासन के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। फिलहाल हम आपको बता दें, हनमना को पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया है। रीवा के खुटेही मोहल्ले को भी संक्रमित, जहां पर संक्रमित मरीज पाए गए थे वहां पर भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन यहां के लोग ये बात को मानने के लिए तैयार हैं। प्रशासन अपनी ओर से पुख्ता तैयारी कर रहा है किसी भी हालत में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से खुटेही में वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर क्वारंटाइन एरिए को किया जा रहा। साथ ही हम आपकी बातचीत कराते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के महकमे के सबसे बड़े मुखिया CMHO डॉक्टर RS पांडे से, वो कोरोना की तैयारी में किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। जिला स्तर में जो जिला में मतलब मुख्यालय स्तर पर भी केसेस आ रहे हैं और इनका तो सबसे पहले यही है कि जैसे कोई केस टेस्ट कराने आते हैं, कहीं भी किसी को लक्षण होता है सर्वे टीम भी जाती है हमारी। उसके अलावा फीवर क्लिनिक हमारा दिन भर चलता रहता है यहाँ, और मेडिकल कॉलेज में हमारी मोबाइल यूनिट भी है जो जा जा करके कैंप में वहाँ पे शहर में सैंपल लेती रहती है। बाकी हमारी PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सिविल अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी सैंपल लिए जाते हैं और लगभग 600 सैंपल प्रतिदिन हम पूरे ज़िले भर में इकट्ठा करते हैं। 600 सैंपल के इकट्ठा होने से निश्चित तौर पर यदि कहीं कोई पॉजिटिव केस रहता है तो खेओजी उसकी ज्यादा हो जाती है। सर, अभी खेओजी कॉलोनी में एक मिश्रा परिवार है जी, इसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी कोरोना पॉजिटिव निकला है? नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। उनके लड़के पंजाब में BSF में थे, वहाँ से 15 दिन पहले आए थे, अभी वो वर्तमान में मऊगंज के अपने किसी गाँव में शायद गए हुए ऐसा पता चला है, तो हम उसको दिखवा लेते हैं। और केसेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इक्का दुक्का केसेस हो सकते हैं कि जिनकी हिस्ट्री ना मिल रही हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस की हिस्ट्री हमको मिल जा रही है। सर, अपन लोग ये मान सकते हैं कि लोकल स्तर में कोरोना घर का चुका? नहीं, अभी उस रूप में नहीं मान रहे हैं। किसी घर में यदि एक व्यक्ति पॉजिटिव हुआ किसी दूसरे जगह से तो उसके कारण हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हिस्ट्री नहीं है। अभी यदि हम उस पूरे चैनल को ब्लॉक कर दें, उनको अस्पतालों में ला के आइसोलेट कर दें, तो निश्चित है वो चैनल टूट जाएगी और आगे केसेस नहीं बढ़ेंगे। सर, जो नाइट पे 10 लोगों की आई है लिस्ट, उस पे कौन से वार्ड में आए गए? जो 10 लोगों की आए उसमें 7 हमारे खुटेही के ही एक घर से मरीज हैं, 2 हमारे मऊगंज ब्लॉक के, सॉरी हनमना ब्लॉक के हैं, और 1 चाक घाट से मरीज आए हैं। तो इस तरह से ये 10 मरीज हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। चाक घाट वाले भी एक वहाँ के बैंक मैनेजर थे, उनसे उनकी हिस्ट्री जुड़ती है। मऊगंज वालों के परिवार से 1 सदस्य हमारे क्वारंटाइन में मतलब इसमें प्रधानमंत्री आवास से भर्ती थे, उनको बाद में मेडिकल कॉलेज रख दिया गया था क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, डायबिटिक थे। तो इस तरह से हर केस का एक हिस्ट्री आपको पीछे मिल रही है, जिसके कारण आगे की चैनल ये दिखती चली जा रही है। खुटेही की हिस्ट्री है सर? खुटेही में जो सबसे पहले हमारे मरीज आए थे वो बहुत स्पष्ट हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन ये है कि वो बैंक गए थे ऐसा उनका कहना था। तो हो सकता है कि बैंक में किसी अननोन व्यक्ति से उनका संपर्क हुआ हो और वहाँ से वो केस बाद में जो पॉजिटिव आए रिजल्ट में, तो वो बैंक के किसी व्यक्ति से, इन्फेक्टेड व्यक्ति से उनका संपर्क की संभावना से नकारा नहीं जा सकता।